नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपा रखा है। ऐसे में उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। सतपुली विकास खंड में एक अस्पताल में डॉक्टर सहित 8 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कोरोना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। वहीं पौड़ी में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडरों की स्टोरेज क्षमता बढ़ा दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। सतपुली में विकास खंड द्वारिखाल के अंतर्गत हंस अस्पताल चमोली सैंड में डॉक्टर सहित 8 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल हंस अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव आने से आसपास दहशत का माहौल बन गया है, क्योंकि लगातार हंस अस्पताल में मरीजों की आवाजाही लगी रहती थी, जिससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। तहसील सतपुली के क्षेत्रांतर्गत स्थित हंस हॉस्पिटल में आज 8 कोरोना मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 2 डॉक्टर हैं तथा 6 स्टाफ हैं। 8 के 8 को हमने हंस हॉस्पिटल में ही आइसोलेट कर दिया है। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है तथा पूरे हंस हॉस्पिटल के सैंपलिंग के आदेश निर्गत कर दिए। मेरी जनता से यही अपील है कि वो मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा 2 गज की दूरी का पालन करें। वहीं अस्पतालों में सही स्वास्थ्य सुविधा न होने की वजह से कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार भले ही लाख दावे करे कि अस्पतालों में उचित इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि राजधानी देहरादून के सभी बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए 1 भी बेड खाली नहीं है। परेशान कई लोगों ने उनसे फोन पर मदद मांगी। वहीं राज्य में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन भी नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो तत्काल व्यवस्थाओं को सुधारे। देखिए, सरकार के लाख दावों के बावजूद पूरे देहरादून, राजधानी समेत पूरे राज्य में जो कोरोना की स्थिति है वो नियंत्रण से बाहर है। इस समय आज की तारीख में पूरे राजधानी के किसी भी अस्पताल में, सरकारी दून अस्पताल से लेकर के कोरोनेशन से लेकर के निजी अस्पतालों में, बड़े अस्पताल जितने हैं, चाहे वो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल हो, चाहे महंत इंद्रेश हो, चाहे मैक्स हॉस्पिटल हो, चाहे सिनर्जी हो, चाहे आरोग्य धाम हो, चाहे अरिहंत हो, किसी भी अस्पताल में 1 भी बेड, 1 भी बिस्तर जिसमें ऑक्सीजन युक्त बेड हो, ICU हो या वेंटिलेटर हो, आज की तारीख में अभी तक, आज रविवार को 25 अप्रैल को मैं जिस समय ये बाइट दे रहा हूँ उस समय तक कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है। मैं सारे डॉक्टर्स से, सारे तमाम इनके प्रबंधन से बात कर चुका हूँ, लेकिन बेड अवेलेबल नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में बार बार DG हेल्थ से भी बात कर रहा हूँ, CMO साहब से भी बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं आ रहा है, पहुँच रहा है, 3 बजे आ जाएगा, 5 बजे आ जाएगा, लेकिन भारी कमी बनी हुई है। इसलिए राज्य की सरकार से मैं जो लगातार आग्रह कर रहा हूँ, कांग्रेस लगातार आग्रह कर रही है कि इमरजेंसी की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में बिल्डिंग्स को आपको एक्वायर करनी पड़े शहर के बीच में, आप ऑक्सीजन युक्त बेड, ICU और वेंटिलेटर्स युक्त बेड आप तैयार करिए, वरना आने वाले दिनों में, कल तो 81 मौतें हो गई पूरे उत्तराखंड में, जिसमें अकेले देहरादून में 48 मौतें हैं। वहीं बात की जाए पौड़ी की, तो वहां जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की स्टोरेज क्षमता बढ़ा दी है, जिससे भयावह रूप ले रहे कोरोना संक्रमण से ग्रस्त गंभीर कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार के दौरान ऑक्सीजन की कमी होने पर पर्याप्त ऑक्सीजन समय पर मुहैया कराई जा सके। बता दें कि भयावह रूप ले चुका कोरोना अब तक पौड़ी जिले में 55 लोगों की जान ले चुका है। ऐसे में कोरोना का कहर और ज्यादा न बढ़ पे इससे पहले ऑक्सीजन सिलेंडरों का स्टोरेज किया जा रहा है और इनकी सप्लाई भी डिमांड होने पर अस्पतालों को भेजी जा रही है। वहीं CMO गढ़वाल मनोज शर्मा ने बताया, फिलहाल तो ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उनके पास हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उसे देखकर भविष्य में स्थिति और विकट होने के संकेत भी मिल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किए जाने का पूरा जोर दिया जा रहा है। फिलहाल इस जिले में स्वास्थ्य विभाग के पास 476 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। देखिए, अभी हमारे पास में लगभग 476 हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, जो हमने सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और अभी हमने रिसेंटली IMKESAR में डिमांड हुई थी, तो हमने 60 सिलेंडर भरवाए थे, 40 वहाँ उनको दिए हैं। और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भी हमारे पास सफिशियंट मात्रा में, और भी हमने अभी डिमांड की है,
तो अभी तक हमारे इसमें कोई ऑक्सीजन की क्राइसिस हमारे जिले में नहीं आई है और हम लगातार ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी हमारे पास बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में है, दूसरे बेस हॉस्पिटल कोटद्वारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अगले 15 दिन में जैसा कंपनी ने प्रॉमिस किया है हमें मिल जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी की, और ये जो भी सप्लाई है लगातार हमें देहरादून से या ऋषिकेश से मिल रही है। उत्तराखंड में कोरोना से स्थिति खराब है, स्वास्थ्य सेवा धरातल पर फेल होती नजर आ रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत इस समय है तो लोगों को सावधानी बरतने की और सतर्क रहने की। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए आशीष रमोला और भगवान सिंह की रिपोर्ट। कोरोना के कहर को देखते हुए देहरादून और ऋषिकेश में 26 अप्रैल की शाम 7 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक संपूर्ण कर्फ्यू रहेगा। हालांकि ये प्रतिबंध आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगा। नैनीताल जिले में भी संपूर्ण कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए गए हैं, सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। लेकिन लोगों में इस कर्फ्यू को लेकर कंफ्यूजन इस कदर हुआ कि सड़कों पर सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून और ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में सरकार ने 26 अप्रैल की शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। ऐसे में दूध, सब्जी, फल, मेडिकल स्टोर, राशन, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी जैसी सभी आवश्यक सेवाओं के संचालन को छूट दी गई है। मगर जानकारी के अभाव में शहर के लोग पैनिक हो गए। लोग सोच रहे हैं कि शायद कोरोना कर्फ्यू के दौरान उन्हें सब्जी और राशन खरीदने में परेशानी होगी और इसी को लेकर लोग बाजारों में अचानक जमकर पहुंच गए और खरीदारी करने लगे, जिससे कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा बन गया। साथ ही साथ शहर में जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई और इस जाम के दौरान शहर से गुजरे विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस स्थिति पर अपनी चिंता जताई है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, मैं अभी बाजार के बीच से ही जब आ रहा था तो मैं बार बार देख रहा हूँ, हर दुकान पे भीड़ है, हर दुकान पे लोगों लग रहा है कि अब कल को क्या होने वाला है। लेकिन मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ, जिस प्रकार से सरकार ने ये जो 7 दिन का लॉकडाउन किया है हमारे नगर निगम में, देहरादून नगर निगम है जिसमें ऋषिकेश नगर निगम है, कोटद्वार है, रामनगर है, इस प्रकार से जो 5-6 हमारे बड़े बड़े जो शहर हैं उन पर किया है, उसका एकमात्र कारण ये है कि इस दौरान हमारे इन्हीं शहरों के अंदर बहुत तेज़ी से कोरोना फैला है, मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। आखिर उस चेन को तोड़ने का काम भी तो हम सभी का है ना, और मैं तो अपील कर रहा हूँ जनता से कि जनता जिस प्रकार से हमेशा जनता ने सरकार को, सरकार की बात को, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो किया, फिर फॉलो करेगी, फिर हम सरकार के जिस प्रकार से बातें हम लोग कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसको जनता जरूर स्वीकार करेगी। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता भी नहीं दिखाई दिया। शहर में सुबह से दोपहर तक लगातार जाम लगने से वाहन भी रेंग रेंग कर चलने को मजबूर रहे। एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू देहरादून नगर निगम क्षेत्र, ऋषिकेश नगर निगम के अलावा गढ़ी और क्लेम टाउन छावनी क्षेत्र में लागू किया गया है। देहरादून में कोरोना के संक्रमण के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। रविवार को भी कोरोना के 1670 मामले एक दिन में दर्ज किए गए। इसके अलावा जिले में कई अस्पतालों में 16 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। साथ ही हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक जिले में रविवार को 6961 लोगों की जांच कराई गई, जिसमें अभी भी जिले में 12084 सक्रिय मरीज है। साथ ही साथ 1209 लोगों की मौत भी जिले में अब तक हो चुकी है। वहीं रविवार को ही 16 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। ऋषिकेश से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट। कोविड 19 के दूसरे दौर में लगातार बढ़ रहे संक्रमण की वजह से राजकीय चिकित्सालय को भी कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल 20 मरीज राजकीय चिकित्सालय में कोविड 19 के भर्ती हैं। वहीं कोविड 19 के टेस्ट के लिए भी लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय राजकीय चिकित्सालय में किए गए हैं, इस व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने निरीक्षण किया। मौके पर सीएमएस और अन्य डॉक्टरों की टीम भी उनके साथ मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्थाओं पर अपना संतोष जताया। मौके पर ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता भी बेहतर पाई गई। उन्होंने इस अच्छी व्यवस्था के लिए सीएमएस की पीठ थपथपाते हुए अलर्ट रहने के निर्देश दिए। वहीं वेंटिलेटर होने के बाद भी चलाने वाले ऑपरेटर नहीं होने की जानकारी मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को जल्द से जल्द ऑपरेटर भेजने के लिए कहा है।
ऋषिकेश में एम्स के बाहर से संचालित होने वाली एम्बुलेंस सेवा के लिए ज्यादा किराया वसूल करने वाले संचालक जेल की हवा खा सकते हैं। दरअसल पुलिस ने शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी एम्बुलेंस संचालकों को दे दी है। दरअसल कई दिनों से पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि एम्स ऋषिकेश के बाहर से संचालित होने वाली एम्बुलेंस सेवा के लिए संचालक अपने निर्धारित किराए से ज्यादा किराए जरूरतमंदों से वसूल कर रहे हैं। यही नहीं, एम्स से शमशान घाट तक डेड बॉडी ले जाने के लिए कई गुना ज्यादा किराया मजबूरी का फायदा उठाकर संचालक वसूल रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद कोतवाली पुलिस ऋषिकेश हरकत में आई। पुलिस ने रविवार को एम्बुलेंस संचालकों से मिलकर इस बाबत चेतावनी दी है और साफ कहा है कि ज्यादा किराया वसूलने की शिकायत अब अगर पुलिस को मिली तो संबंधित एम्बुलेंस संचालक के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई सख्त कदम उठा रही है, लेकिन जिले का जिला अस्पताल कोरोना संक्रमण को दावत देता हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि मेडिकल कॉलेज में बनाए गए कोविड अस्पताल के बायोमेडिकल वेस्टेज और जिला अस्पताल के कूड़े को अस्पताल और कोविड अस्पताल के पास ही खुले में फेंका जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन उच्च अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। लालकुआ में महामारी के दौर में सरकार अस्थायी अस्पताल बना रही है, लेकिन पिछले 7 सालों में लालकुआ के खल्दू चौड़ में निर्माणधीन 30 बेड का अस्पताल अभी तैयार नहीं हो सका। विधायक नवीन दुमका ने फरवरी 2021 में अस्पताल का उद्घाटन करने का दावा किया था, लेकिन अस्पताल शुरू न होने के कारण लोगों को इलाज के लिए अन्य शहरों में भटकना पड़ रहा है। लालकुआ बिंदुखत्ता के गाँवों की भारी जनसंख्या और राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाले दुर्घटनाओं में घायलों के उपचार के लिए खल्दू चौड़ में नंबर 2014 को पूर्व की कांग्रेस सरकार के मंत्री और क्षेत्र के पूर्व विधायक हरीश चंद्र दुर्गापाल के प्रयासों से तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र नेगी और वित्त मंत्री इंदर हृदेश ने लालकुआ के हल्दूचौर क्षेत्र में 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नींव रखी थी, जिसका जिम्मा उत्तराखंड राज्य अवस्थापना विकास निगम यानी बिडकुल को मिला। शिलान्यास के वक्त बेसमेंट सहित 3-3 मंजिल अस्पताल की लागत 8.25 लाख करोड़ तक तय की गई थी। वहीं 2 सितंबर 2016 में भूमि पूजन के बाद अस्पताल निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन 7 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी भवन निर्माणधीन है। वहीं विधायक नवीन दुमका ने कार्यदायी संस्था को धन आवंटित करने की बात कहकर फरवरी 2021 में अस्पताल का शुभारंभ करने का दावा किया था, लेकिन फरवरी चली गई और अस्पताल का निर्माण अभी भी नहीं हुआ है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।